डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास टेंथ के लिए मैथ सब्जेक्ट को पढ़ाना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम लोग टेंथ क्लास में टेंथ वालों के लिए जो मैथ्स पढ़ रहे थे एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 5.2 को पढ़ रहा था हम लोगों ने, ठीक है। अब 5.2 एक्सरसाइज में जिसका नाम है एपी, क्या नाम है उसका, एपी, एपी में हम लोगों ने 16 नंबर सवाल तक के पढ़ लिया था एक्सरसाइज 5.2 का। तो चलिए आइए, कुछ बचा हुआ क्वेश्चन है उसको हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर कहां से, 17 से, ठीक है। 17 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं जरा देखिए। एपी एक दिया हुआ है भाई, एपी दिया है, कितना एपी दिया हुआ होगा सवाल में, दिया है 3813 .253, ठीक है। डॉट डॉट और लिख लेते हैं, थोड़ा सा जगह बन जाएगा। 253 का अंतिम से 20वां पद क्या होगा, आप सोचिए जरा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर सिर्फ हमें बोलता, सवाल को जरा अच्छा से समझिएगा, अगर इस एपी में हमको सिर्फ बोलता कि तीसरा पद बताइए, कौन सा पद बताइए, तीसरा पद, तो शुरू का, जब तीसरा पद बोलेगा ना तो हम लोग शुरू का तीसरा पद बताते हैं, ठीक है। अगर बोलता कि 20वां पद निकालिए, तो 20वां पद निकालना के लिए बोलता तो वहां लगा हुआ है तो वो एन का मान हो जाता, समझ रहे ना चीजों को। तो 20वां पद यहां पे नहीं बोल रहे, अंतिम से 20वां पद का मतलब ये हुआ, देखिए अगर मान लिया 3 है तो 5 बढ़ा 8, फिर से 5 बढ़ा 13, फिर होगा 18, फिर होगा 23, फिर होगा 28, ऐसे ना 5-5 करके आगे बढ़ेगा। कहां तक लास्ट किया है एपी, 253 तक, ठीक है। तो 253 के पहले क्या हो रहा होगा, तो 253 के पहले 248 हो रहा होगा, 248 से पहले 243 हो रहा होगा ना, तभी तो 5-5 बढ़ के, यानी इससे पहले का जरा हम सोचते हैं, क्योंकि 5-5 सब में बढ़ रहा है, तो यहां 48 होगा तभी तो 253 होगा। अब हमें सवाल बोल रहा था कि अंतिम से 20वां पद निकालो भाई, अंतिम से 20वां पद का मतलब क्या, आपको इधर से गिनना है, ये हो गया अंतिम से पहला पद, अंतिम से दूसरा पद, अंतिम से तीसरा पद, वैसे ही अंतिम से करते आना है हमको 20वां तक जाना है। अगर सवाल ये बोलता कि आप सिर्फ 20वां पद निकाल दो, तो 20वां पद का मतलब ये हुआ कि शुरू से लिया जाता है, या 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। तो जब आपको अंतिम से बोला जा रहा है तो क्यों ना आप एक नया एपी बनाइए, नया एपी। अब हम इसको पलट के कैसे कर दिए पता, क्योंकि अब हमको अंतिम से चाहिए, आप सोचिए अंतिम से जब हमको 20वां पद चाहिए तो यानी कि हम इसको पलट ले तभी तो हमको गिनने में आसानी होगा 1 2 3, तो क्यों ना इसको पलट लेते हैं, तो नया एपी क्या बन जाएगा, 253 के बाद 248 के बाद 243, मैंने अंतिम, मैंने इसको पलट दिया, पहले ये फिर ये फिर ये, लास्ट कहां तक किया, 13 8 3 तक के, ऐसे लास्ट हो गया, समझ रहे हैं, इसको उल्टा फॉर्म में कर दिए। अब आप को पता चल गया कि चूंकि अंतिम से यहां 20वां पद बोल रहा था, अब हम इसका अगर शुरू से 20वां पद निकाल लेंगे, इसमें अगर जो पलट दिए इसमें शुरू से 20वां पद निकाल देंगे तो इसका अंतिम से भी 20वां पद वही होगा, क्योंकि अंतिम से यहां 20वां पद बोल रहा था, हमने क्या किया, एपी को पलट दिया। अब पलटने से फायदा क्या हो गया कि यहां पे एन का वैल्यू 20वां, तो एन का वैल्यू 20 पलटने से पता चल गया, क्योंकि अंतिम था ना, तो अंतिम से था तब हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा था, तो इसको हम लोगों ने पलट लिया, उल्टा एपी कर लिया, तो इसलिए नया एपी इसको बोल सकते हैं। अब एन का वैल्यू 20 और लास्ट कहां तक कर रहा है, ए तक, तो या फिर ऐसे तो लिखिए, हमें क्या निकालना है, 20वां पद निकालना है,
बीसवां पद, तो बीसवां पद का मतलब हमको क्या निकालना, ए प्लस उन्नीस डी का मान निकालना है, ए प्लस उन्नीस डी, और ए का मान कितना 253 प्लस, आप जो है ना बनाने का तरीका हम खुद गलत कर रहे हैं, आपको सही बताते हैं लेकिन हम खुद गलत कर रहे हैं। यहां तो आप देख पा रहे होंगे कि बीसवां पद निकालना है, ठीक है। अब यहां से आपको क्या क्या पता चल रहा है, तो ए का मान लिख लीजिए 253, ठीक है, और यहां जो नया एपी बनाया है उससे डी कितना है, तो बाद वाला माइनस पहले वाला, 248 माइनस 253 माइनस में 5, ए और डी का मान पता चल गया। तो जब बीसवां पद निकालने के लिए बोल रहा है, देखिए इसमें हम एक नया चेंज किए, सवाल बोला कि ये आपका सवाल में ये एपी दिया था, इसमें अंतिम से बीसवां बोल रहा था, तो अगर हम इसको पलट देंगे तो वो शुरू से बीसवां हो जाएगा, समझ में आ रहा था, तो इसीलिए अब हम इसको पलट के और बीसवां पद शुरू से निकाल लेंगे। तो इसलिए अब यहां लिखेगा, इसलिए बीसवां पद बराबर ए प्लस, देखिए बीसवां पद बोल रहा है तो हम ए प्लस कितना लिखेंगे 19 डी, और ए के मान ये वाला और डी के मान ये वाला रख के निकाल लीजिएगा, वो हो जाएगा हम लोगों का आंसर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, खैर एक अंतिम से था तो लोगों को लग रहा होगा सर कैसे बनेगा, तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छा ट्रिक आउट है, आप उसको पलट लीजिए। चलिए 17 हो गया, बढ़ते हैं आगे। टोटल कितना क्वेश्चन है इसमें, टोटल अगर बात किया जाए तो इस एक्सरसाइज में टोटल 20 क्वेश्चन है, आज इसको खत्म ही कर देते हैं, 18 नंबर पे चलते हैं हम। 18 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िएगा, क्या बोल रहे हैं, किसी एपी के चौथे और आठवें पद का योग 24 है। ध्यान दीजिएगा सवाल क्या बोल रहे हैं, चौथा पद और आठवें पद का योग कितना है 24। देखो मैथ जो है ना बहुत इजी सब्जेक्ट, बहुत इजी, लेकिन उसके लिए जो चीजों को अच्छे से समझ सकता है, अच्छे से करने का जुनून रख सकता है, हौसला रख सकता है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत चीजें हार्ड है। यहां पे सवाल क्या बोल रहे हैं, किसी एपी के चौथे और कितना आठवें पद का योग 24 है। तो सवाल में क्या दिया है, आप ये साफ साफ लिखो यार, जो कुछ भी सवाल में तुमको मिलेगा आप यहां लिखो, दिया है क्या दिया है, तो चौथे और आठवें पद का योग, यानी कि चारवां पद, अरे मैंने वही चौथा पद हो गया, चारवां पद का योग किसके साथ, आठवां पद के साथ, दोनों के मिला के जोड़, चौथा पद प्लस आठवां पद, तो यहां चारवां लिखे हैं, मतलब कि चौथा, योग कितना दिया है 24। अब आप ये जानते हो ना भाई कि चारवां पद है यानी कि चौथा पद है, तो इस पद से आप क्या लिख सकते हैं इसको, तो एक कम करके, तो हम यहां क्या लिख दिए, ए प्लस थ्री डी, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस अब आठवां पद के लिए तो क्या लिखेगा, एक कम करके लिखेगा, मतलब कितना नहीं दिख रहा है क्या, ब्लू वाले से ब्लैक से लिखते हैं, आठवां पद का आप लिखोगे ए प्लस 7 इज इक्वल टू 21, दिख रहा है ना साहब, हाँ ठीक है। तो अब यहां से हम क्या बोले कि ए और ए एक जाति का जोड़ घटाव होता है, तो ए और ए मिलके कितना ए 2 है, और 7 और 3 डी वाला एक साथ जुड़ेगा तो 10 डी बराबर में कितना 24। अब इसको तो मान लेगा कौन सा समीकरण, समीकरण नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे और बढ़ेंगे, फिर आगे सवाल क्या बोला भाई, तथा छठे और दसवें पद का योग 44 है, तो फिर से बोला तो दिया है और करके लिखे के क्या, छठवां पद, छवां इसको लिखेंगे, छवां पद यानी कि छठवें पद प्लस कौन सा था दसवें पद, दसवें पद का वैल्यू कितना है 44। तो तुम एक और समीकरण नहीं निकालेगा, कौन सा भाई, तो छठवां पद है तो छठवां पद के लिए तू क्या लिखेगा ए प्लस 5 डी,
और दसवें पद के लिए a प्लस 90 इज इक्वल टू 44। अब हम क्या बोल रहे हैं कि एक a का a के साथ ही जोड़ घटाव करते हैं, a और a मिलके कितना ये हो गया 2a। अब यहां से 9 और 5 d वाले को एक साथ जोड़ेंगे 14d बराबर में 44। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इतना तो सवाल में बोला, फिर क्या बोल रहा है कि अब आप जो एपी का प्रथम तीन को पद निकालना है, एपी का प्रथम तीन पद निकालना है, यानी आप ये सोचिए कि हमें एपी निकालना है। तो अब आप जब एपी आपको निकालना है तो इस जो समीकरण एक और दो मिला है ये दोनों समीकरण से चल के ए और डी का मान निकाल लीजिए। तो आप समीकरण एक और दो से चलिए तो क्या मिलेगा, ऊपर से हम फिर से लिखते हैं, समीकरण एक और दो से क्या है एक नंबर में, तो 2a प्लस 10d बराबर 24 और दूसरा समीकरण क्या है, तो 2a प्लस 14d बराबर 44। ये दोनों समीकरण लिख लिए, अब नीचे वाले को मिटाते हैं। तो यहां पे देख पा रहे होंगे कि दोनों समीकरण का अगर घटाव करेंगे तो ये कट जाएगा और ये बन जाएगा माइनस 4d और ये बन जाएगा माइनस 20। तो हम लोग जानते ना हैं कि दोनों तरफ अगर माइनस रहता है तो कट जाता है, इसलिए d का मान कितना हो गया 20 बटा में 4 यानी कि 5। अब d का मान निकल गया तो दोनों समीकरण में से कोई समीकरण से चल के अब a का मान निकालेंगे। अब निकालिएगा समीकरण एक से, समीकरण एक कौन सी है, तो 2a प्लस 10d बराबर 24। एकरा में a का a ऐसे ही छोड़ देंगे, d का मान कितना रखेंगे 5, तो 10 गुना 5 बराबर में 24। क्या होगा आगे, तो 2a प्लस 50 बराबर में 24। अब इधर वाला प्लस है उधर जाएगा तो कुंजी में होगा, माइनस में, तो 24 में से घटा 50 कितना बच गया, अब इधर बन गया 2a बराबर 24 में से 50 जाएगा तो माइनस में 24 बचेगा और इसलिए जो a का मान होगा माइनस 13 होगा। देखिए तो a का मान माइनस 13 आया और d का मान 5 आया। तो अब हम लोग उसके नीचे क्या लिखेंगे कि अब हम लोग क्या जानते हैं कि एपी जो शुरू होता है वो एपी का जनरल टर्म क्या होता है, तो ए प्लस डी ए प्लस टू डी ऐसे नहीं होता है, लेकिन हम लोगों को सवाल बोल रहा है कि जो एपी निकालना है वो शुरू का तीन ही ठो निकालना है, शुरू का तीन ठो निकालना है, इसलिए जो एपी मेरा आंसर बनेगा ए से शुरू करना है, तो ए कितना आया माइनस 13। फिर ए प्लस डी होता है दूसरा पद किसी भी एपी का, तो ए और डी जोड़िए दोनों के तो माइनस 13 और प्लस 5 कितना आएगा, तो माइनस 8। फिर कितना, तो ए प्लस टू डी, तो ए के मान रखिए माइनस 13 और प्लस 10 तो कितना हो जाएगा माइनस 13। तो यही हो जाएगा हम लोगों का एपी का प्रथम तीन पद, प्रथम तीन का मतलब शुरू का तीन गो पद। तो इस तरीके से ही क्वेश्चन नंबर 18। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से, 19 क्या बोल रहा है, तो 19 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, शुभा राव ने 1995 में 5000 रुपए के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया, प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की किस वर्ष में उनका वेतन 7000 रुपया हो जाएगा।
किस वर्ष में उनका जो वेतन होगा वो 7,000 रुपए हो जाएगा, ये सवाल हमें बोल रहा था। चलिए, तो सुब्बा राव है 1995 में कोई जॉब उनको प्राप्त हुआ, यानी कि काम करना शुरू किए, तो जो अपना कार्य करना यानी कि जॉब करना शुरू किया उन्होंने कितने रुपए से, 5,000 रुपए से। ठीक है, कब? 1995 ईस्वी में। ईस्वी का मतलब साल, पहला वो काम करना शुरू किया 1995 में। अब हम लोग तो जानते हैं कि एक साल में 12 महीना होता है, तो 12 महीना यानी कि एक साल के बितने के बाद हर वर्ष आपको बोल रहे 200 रुपया का वृद्धि करते गया। यानी कि आप अगर जरा एपी ध्यान देंगे 19 नंबर सवाल में, तो सवाल ये बोल रहा है कि एपी का कोई टर्म्स कहां से शुरू हो रहा है, क्योंकि जो सुब्बा राव हैं वो 1995 में शुरू का जो उनको सैलरी मिल रहा था, शुरू का पहली साल का, यानी कि 1995 से काम करना शुरू किया, तो 5,000 रुपए ना, हाँ 5,000 रुपए उनकी सैलरी है अभी। तो अब ये जो 5,000 सैलरी है ये कब का है, तो ये है आपका 1995 ईस्वी में। ठीक है, वैसे ही सवाल क्या बोल रहा है कि हर वर्ष आपको 200 रुपए की वृद्धि होते जाती है। आपको पता होना चाहिए कि 1995 है, जैसे ही 1996 आएगा तो अब इनकी सैलरी हो जाएगी 5,200 रुपए। पक्की बात, क्लियर? जैसे ही फिर 1997 आएगा साल, अगली साल, तो फिर से 200 रुपए बढ़ जाएगा और इनकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 5,400 रुपए। ऐसे ही बोल रहा है कि कितना वर्ष यानी कि किस वर्ष का मतलब कि 1998 भी होगा, 2000 ईस्वी भी होगा, 2001 भी होगा, 2002 भी होगा ना, तो कौन सा साल में इनकी जो सैलरी है वो 7,000 रुपए तक पहुंच जाएगी। समझ में आ रहा है? तो आप समझ पा रहे होंगे कि जैसे ही 1998 साल शुरू होगा तो सुब्बा राव की जो सैलरी है वो 5,400 के बजाय 5,600 मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल बोल रहा था कि ऐसे ही अगर आगे बढ़ा जाए तो 7,000 जो सैलरी है वो कब होगा, किस साल होगा, यानी कि यहां वर्ष आपको बताना है कि कितने कौन से वर्ष में उनकी जो सैलरी है वो 7,000 रुपए हो जाएगी। अब आपको यहां पे देख पा रहा होगा कि एक एपी जो है हमें प्राप्त हो गया। ध्यान रहे, ये जो दिया है उनका वर्ष दिया है और हमें एपी में कोई वर्ष से लेना देना नहीं है, हमें तो मेन तो एपी ये है। ये तो सिर्फ हम समझने के लिए लिखे कि 1995 में उनकी सैलरी इतनी थी, एक साल में उनकी सैलरी इतनी हुई, अगली साल में इतनी, क्योंकि सवाल बोला कि हरेक एक साल के बाद उनकी सैलरी में 200 रुपए की बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, अब यहां से आप पता करेंगे कि यहां पे आपको क्या क्या दिया है भाई। तो यहां ए का वैल्यू दे दिया 5,000, कोई प्रॉब्लम नहीं। डी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो बाद वाला में से पहले वाला, यानी 5,200 - 5,000 आंसर हो गया डी का 200। लास्ट टर्म कितना है, अंतिम पद कितना है, 7,000। तो अंतिम पद को किससे सूचित करते हैं, एम से, ये हो गया 7,000। ठीक है, अब यहां पे एन का वैल्यू निकालना है, एन का वैल्यू वही सूत्र से जो है आप एन का वैल्यू निकाल लीजिएगा। कौन सा सूत्र से, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। और एन का वैल्यू निकालने के बाद, एन का वैल्यू आएगा 2, 8, 4, कुछ भी आएगा,
तो कौन से साल में उनकी सैलरी 7000 होगा, तो इसलिए फिर वर्ष करने के लिए स्टार्टिंग कब से किए थे, 1995 से, और किस वर्ष होगा तो एन का वैल्यू जितना आएगा, हो सकता है 5 आए, हो सकता है 8 आए, या 12 आए, या 14 आए, यानी कि एन का वैल्यू सूत्र से निकालने के बाद फिर क्या करना है। सवाल क्या बोल रहा है कि किस वर्ष में उनकी सैलरी 7000 जाएगी, किस वर्ष में, यानी कि कौन से साल में, ठीक है, 2000 में कि 2015 में कि 2020 में कि 2025 में, कब, तो इसलिए क्या करेंगे 1995 में एन का मान यहां पे जोड़ देंगे तो वो वर्ष निकल जाएगा कि इतना वर्ष में, इतना साल में इनकी जो सैलरी है, इतना वर्ष नहीं, इतना ईस्वी, क्योंकि वो तो ईस्वी दिया है ना, ईस्वी का मतलब ईयर 1995, 1996, 1997 जो भी है, तो आप समझ पा रहे होंगे, आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा, हम समझा दिए हैं क्वेश्चंस को। यहाँ एन का वैल्यू निकालना है फार्मूला का यूज करके, और फिर वर्ष, चूंकि पूछ रहा था कि कौन से वर्ष होगा, किस वर्ष, तो वर्ष में 1995 से काम शुरू करना किया था, उसमें से उतना का वैल्यू ऐड कर देंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर कितने है, क्वेश्चन नंबर लास्ट, और दोस्तों ये एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट क्वेश्चन है, और जरा बात कर लेते हैं कि इसमें कितना एक्सरसाइज तक के क्वेश्चन है, 5.3 है, ठीक है, उसके बाद 5.3 में तो अच्छा क्वेश्चन है यार, अच्छा खासा है, 20 क्वेश्चन है, बस लास्ट हम लोगों का फिर ऐच्छिक है, ऐच्छिक तो करते नहीं है, 5.3 तक ही है, तो एक एक्सरसाइज और बच रहा है, ठीक है, एपी का। खैर सबसे पहले इसको खत्म कर लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन था अभी हम लोग कर रहे थे, 19 नंबर ना, देखते हैं क्वेश्चन कहाँ है। हाँ क्वेश्चन है रामकली ने, देखो रामकली से शुरू हो रहा है क्वेश्चन, 20, ठीक है, तो 20 नंबर में जो क्वेश्चन है, पढ़ते हैं सवाल क्या बोल रहे हैं, तो 20 नंबर में जो क्वेश्चन है बोल ये रहा है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया बढ़ाती गई, 9वें सप्ताह में उसकी जो बचत है वो 20.75 रुपया हो जाती है। सवाल ये बोल रहा है, अच्छा से समझिए, एक रामकली है और रामकली जो है पैसा बचाना शुरू करती है, एक सप्ताह में वो 1.75 रुपया बढ़ा देती है, हालांकि शुरू कहां से करती है, शुरू कितने रुपए से बचाना शुरू करती है, शुरू वो जो करती है 5 रुपए से शुरू करती है, तो जैसे ही एक सप्ताह बीत गया यानी कि अगला सप्ताह आया तो 1.75 रुपया उसमें ऐड करके बचाना शुरू कर दी, तो यहां हो जाएगा अब अगली सप्ताह में वो कितना बचाएगी, 6.75 रुपया। अच्छा ये जब हो गया तो फिर इसके अगला सप्ताह शुरू होगा तो उसमें भी अब 1.75 रुपया बढ़ा के वो बचत करेगी तो यहां हो जाएगा कितना, तो यहां हो जाएगा 8.50 रुपया, 8.50 रुपया। वैसे ही बोल रहा है कि कितना सप्ताह के बाद, 9वें सप्ताह के बाद वो जो है 20.75 रुपया कर लेती है बचत, तो इसमें आपको बताना है कि एन का वैल्यू कितना होगा, एन का मान कितना होगा, कैवा सप्ताह में वो जो है 20.75 रुपया बचाना शुरू करने लगेगी, किस सप्ताह में, ये तो प्रथम सप्ताह हुआ, द्वितीय सप्ताह, तृतीय सप्ताह, यानी कि प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, पद ही हुआ ना, तो यानी कि एन का वैल्यू हमें यहाँ पे निकालना है, तो यहां लिखिएगा ए बराबर 5, डी बराबर, तो बाद वाला माइनस पहले वाला, 6.75 रुपया माइनस 5 रुपया, 1.75 रुपया, अंतिम पद 20.75 रुपया, एन का वैल्यू निकाल लेना है, और वही सूत्र से एन का वैल्यू निकाल देंगे हम लोगों का आंसर हो जाएगा, कौन सूत्र से, तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो इस तरीके से हम लोगों का ये पूरा एक्सरसाइज खत्म हो गया,
और आप ढंग से निकालिएगा इसको, आंसर कितना आता है आप जरूर भेजिएगा निकाल कर कि कितना इसका राइट आंसर आया हुआ है। तब तक हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियोज में, अगले क्लास में, और अगले क्लास में एक्सरसाइज 5.3 के लिए कुछ रूल्स नियम को सीखेंगे, कुछ नया फार्मूला को सीखेंगे। तो फिर बिल्कुल हम लोग फिर नए क्लास में हम लोग सीखते हैं। आज के लिए इतना।